अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद साहिबा। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि किस तरह से हम अनलिमिटेड लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है बूटमास्टर, जिसका नेम है, तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए व्हाट्सअप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नॉट रेडी का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, हम यहाँ पे ओपन व्हाट्सअप करके यहाँ पे देखें वो सारी प्रोसेस बता रहा है किस तरह से अपने व्हाट्सअप को अटैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सअप को ओपन करके यहाँ पे मेन्यू में जाके सेटिंग से ऊपर हमारे पास लिंक डिवाइस का ऑप्शन होता है, हमने वहाँ से जाके यहाँ पे क्यूआर कोड को लिंक डिवाइस पे जाके इसे स्कैन कर लेना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसे स्कैन कर लेंगे तो हमारी व्हाट्सअप इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी व्हाट्सअप को मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है। तो अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखें ये रेडी का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे ही हम अगेन यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारी व्हाट्सअप ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट मैं इसकी फीचर्स के बारे में आपको बता दूँ। यहाँ पर हमारे पास न्यू कम्पेन का ऑप्शन है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसके ऊपर कोई भी कम्पेन रन की हुई है तो अगेन हम इसके ऊपर कम्पेन रन करना चाहते हैं, सारा डाटा रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम न्यू कम्पेन के थ्रू इसे रेड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेंड कम्पेन्स का ऑप्शन है कि हमने प्रीवियस डेज़ में कितनी कम्पेन्स रन किए हैं। जैसे मैं अगर लास्ट 30 डेज़ में, अब देखें यहाँ पे कितनी इस पर कम्पेन्स रन हुई है, वो सारी डिटेल्स और टाइम के साथ हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें से फॉर एग्जांपल कोई एक कम्पेन ओपन करके हम चेक कर लें तो क्या मैसेज किसको कैसे सेंड हुआ है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर उसने प्रोवाइड कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑटो रिप्लाई सिस्टम है। यहाँ पे आपने जो भी ऑटो रिप्लाई सेट करना है, कोई भी अटैचमेंट आप सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे टाइप करें जस्ट और इसे यहाँ से ओके कर दें तो वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी फाइल वगैरह आपने ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड फाइल पे देखिए फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स और वीडियोज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं ईजिली, जो ऑटो रिप्लाई में आप किसी को भी सेंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर देखिए ऑप्शन से उसने प्रोवाइड किया हुआ है कैटलॉग का, यहाँ से भी हम कैटलॉग ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या प्रोसेस होता है कि कोई भी कैटलॉग फाइल अगर फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट की हुई है वो आप ऐड करना चाहते हैं, आप कोई भी बिज़नेस करते हैं या फिर इसके अलावा कोई भी आपका सेलिंग या का कोई भी कस्टमर्स का कोई भी साथ लिंक होने की वजह से आपका कोई भी बिज़नेस है तो वो आप यहाँ पर अटैच करके इसे ओके कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई भी इसमें सारी डिटेल्स इनपुट करेंगे, आप यहाँ से इसे ओके करेंगे तो यहाँ पर ऑटो रिप्लाई सेट हो जाएगा। आप यहाँ पे ऑटो रिप्लाई रूल्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे रूल नंबर 1 आपकी वर्ड कोई भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लीजिएगा, कोई इसमें इशू नहीं, मैसेज आप टाइप करें और यहाँ पे फाइल वगैरह अटैच करके आप इंपोर्ट रूल, रूल्स को आप एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं, बाद में इम्पोर्ट रूल करके इसे ओके भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि यहाँ से हम कोई भी जो हमारा कैटलॉग है या फिर रूल है वो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ पे आपने कनेक्शन स्पीड स्लो और या फिर इसके अलावा नॉर्मल रखने। इसमें क्या प्रोसेस होता है कि हमारी जो सेंडिंग स्पीड है वो यहाँ पे कनेक्ट की जाती है जो हमारे व्हाट्सअप के ऊपर वर्किंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेंडिंग सेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आपने क्या करना है, वेट बिटवीन आप 25 to 30 सेकेंड यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। ये वेट बिटवीन जो है हमारा वो प्रॉपरली जो हमारे व्हाट्सअप का फर्स्ट मैसेज टू सेकंड मैसेज के मिड में हमारा जितना भी वो ड्यूरेशन लेगा वो यहाँ पे सेट किया होगा। आप जितने ज़्यादा नंबर्स पे कम्पेन रन करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे आप टाइमर सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारी कोई भी कम्पेन में व्हाट्सअप को कोई इशू नहीं होता और डायरेक्टली हमारे मैसेजेस सेंड होते हैं। यहाँ पे एक्टिव स्लीप मोड होता है जिसे यहाँ पे डिसएक्टिव होता है, तो हमें इसे एक्टिव करना पड़ता है कि हम कितने मैसेजेस के बाद अपने व्हाट्सअप को रेस्ट मोड पे लाना चाहते हैं। तो 10 मैसेजेस के बाद यहाँ पर हम 70 सेकेंड्स के लिए इसे रेस्ट मोड पर ला सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। जैसे हम क्लोज करेंगे तो हमें बार बार इसकी सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही सेटिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे रिसीव मैसेजेस का ऑप्शन होता है कि अगर हमारे व्हाट्सअप में कोई भी मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं जो हमने सीन नहीं किए, यहाँ पर सम टाइम होता है अनलिमिटेड नंबर्स पे मैसेज सेंड करने के बाद किसी का रिस्पॉन्स आता है तो हमें पता नहीं लगता, तो यहाँ पे उनकी सारी डिटेल्स होती हैं कि डेट, सोर्स और मैसेज जो भी हमने नेक्स्ट टाइप करना वो यहाँ पर हम टाइप करके उनको सेंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप ग्रैबर का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फेच ग्रुप करती हूँ तो जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब का डिटेल्स यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी एक ग्रुप को ओपन कर लेती हूँ, इसे मैंने ओपन किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप सेलेक्ट ऑल्स करके उनके भी नंबर्स यहाँ पे गेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गेट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम सेलेक्ट ग्रुप ओके किया है, तो यहाँ पे देखिए उसने मुझे प्रोवाइड कर दिए। इस वजह से आप इनको बैक सेंड ऐड टू सेंडर लिस्ट भी कर सकते हैं बैक पे। यहाँ पे देखिए आप इस वे से भी यहाँ पे जो आपके फ़िल्टर हुए कॉन्टैक्ट्स हैं, आप जो फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मैं किसी भी ग्रुप में से ऐड करके यहाँ पे उसे प्रोवाइड करके उस पर कंपेन रन करूँ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाएं, नेक्स्ट यहाँ पे देखें कोई भी फाइल आपको अटैच करनी है, यहाँ पे फाइल्स में चले जाएं ब्राउज करके, तो यहाँ पे आप किसी भी फाइल को इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो जितने भी आपके फाइल्स हैं, जैसे यहाँ पे ये फाइल मेरे पास जो अवेलेबल है, ये सारी की सारी हमारे पास फाइल नंबर्स की है। यहाँ पे आपने इनपुट करनी है, नेक्स्ट आपने नंबर फील्ड पे इस कॉलम को ओके करना है और यहाँ पे बैक पे इंपोर्ट कर देना। जब आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं ये नंबर्स को फ़िल्टर करने वाला होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं कि नहीं, वो हमने चेक करने के लिए यहाँ पे ये व्हाट्सएप फ़िल्टर को यूज़ करते हैं और स्टार्ट चेकिंग पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे देखें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली चेक करके हमें प्रोवाइड कर देता है कि ये कौन कौन से नंबर्स अवेलेबल हैं कि नहीं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है एक और के नंबर फिल्टर्स पे जाके, हम यहाँ पे नंबर फिल्टर के ऊपर यहाँ पे यूज़ करते हुए हम इसके ऊपर नंबर्स जनरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैनुअल में अगर कोई नंबर ऐड करके उसको करना है तो यहाँ पे हम नंबर टाइप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ये नंबर टाइप कर लिया, इसे मैं इंपोर्ट कर देती हूँ, इसे ओके करके स्टार्ट चेकिंग पे क्लिक करूँगी, तो ये देखें ये बिज़नेस और रेगुलर नंबर जो है उसमें भी उसने बता दिया कि बिज़नेस व्हाट्सअप यूज़ हो रही है इस नंबर पर, तो उसने वो बता दिया। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट कंट्री कोड। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने नंबर्स यहाँ पे इनपुट किए हैं तो उसमें हमने जीरो के डिजिट को यूज़ नहीं करना, थ्री से हमने नंबर स्टार्ट करना है। अगर वहाँ पे इन कंट्री कोड इंसर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास नंबर्स जनरेटर का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से भी हम नंबर जनरेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 3276974624 ये नंबर मैंने टाइप कर लिया अकाउंट में, कहते हो यहाँ पे 50 नंबर्स जनरेट करने हैं, आप यहाँ पे 50 नंबर्स इजीली जनरेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको करने हैं आप वो भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, आप जस्ट टाइप करें और कर लें। इंक्रीमेंट यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे लास्ट में नंबर पे 24 है, 25, 26, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट, अगर 2 का लगाएंगे तो यहाँ पे लास्ट पे 24, 26, 28 इस तरह से इंक्रीमेंट होगा। बट मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगी इंक्रीमेंट 1 का ही रहने दें। इससे क्या होगा, जो नंबर्स आपके होंगे वो ऑल ओवर्स में से ये आपको प्रोवाइड कर देगा कि कौन से नंबर्स आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। ओके कर दिए, यहाँ पे देखिए इसने नंबर्स जनरेट कर दिए हैं। यहाँ पे मैं कंट्री कोड इंसर्ट कर देती हूँ, यहाँ पे 92 टाइप करके ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगी, स्टार्ट चेकिंग के ऊपर क्लिक कर दूँगी। अब देखिए यहाँ पे उसने नंबर्स जितने भी उसने सारा डाटा चेक किया है, तो इसमें मैंने इसे स्टॉप कर दिया। 51 में से उसने जो नंबर्स मुझे कलेक्ट करके बताए वो 9 है, कुछ को मैंने अभी उसे चेक ही नहीं करने दिया। इस वे में आप यहाँ पे जितने मर्जी नंबर्स इनपुट करके उनको चेक भी कर सकते हैं, फ़िल्टर भी कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे इंपोर्टों के ऊपर क्लिक करते हैं तो बैक पे ये नंबर्स इंपोर्ट हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें ये फाइल जो हमने इस यहाँ से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि पहले हम उसको फ़िल्टर कर लें फिर कभी हम उस पर कंपेन रन करें, तो फ़िल्टर करने के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे इन नंबर्स को आप इजीली सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाके सेव कर लेती हूँ और मेरी ये फ़ाइल बैक पे सेव हो चुकी है, ये नंबर्स हैं मेरे पास। तो आप इस वे में भी नंबर्स जनरेट कर सकते हैं इजीली, आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से मैं क्लियर लिस्ट कर देती हूँ। अब देखें ये तो प्रोसेस हो गया, टॉप पे हमारे पास जो फीचर्स थे उनमें से हम क्या क्या इसकी वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास 3 लाइंस का ऑप्शन अवेलेबल है, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। यहाँ से हम जो नंबर्स है वो यहाँ पे इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो फाइल थी वो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे
टेक्स्ट फाइल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने नंबर्स अभी जनरेट किए थे, यहाँ से हम जाके कोई भी हमारे पास फाइल अवेलेबल हो तो वो यहाँ पे हम इनपुट कर ले सकते हैं। अब देखिए ये नोटपैड की फाइल थी, तो यहाँ पे उसका जो कॉलम नंबर फील्ड वाला है वो नेशो बता रहा है नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे उसने कॉलम ऑलरेडी ऐड कर दिया नंबर्स वाला। अगर ना हो तो हम यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इस वे में हमारे नंबर्स यहाँ पे इंपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम मैनुअल इंपोर्ट पे जाएँ तो यहाँ पे मैनुअल इंपोर्ट पे जाके भी हम यहाँ से कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं। जैसे मैंने नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखें मेरा नंबर यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये लास्ट पे 9232679747624। इस वे में आप इजीली यहाँ पे नंबर इनपुट कर सकते हैं मैनुअली भी, अगर आपको सिंगल कोई ऐड करना है। अदरवाइज आप क्या करें, यहाँ पे क्लियर लिस्ट कर लें। अब यहाँ पे देखिए इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट्स, इस वे में क्या होता है जितने भी मेरे पास कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, कि इन वे में आप इजीली कोई भी नंबर्स इनपुट करके अपने व्हाट्सअप के कॉन्टैक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं, उन पे भी कोई कंपेन रन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सअप ग्रुप्स, कि जितने भी ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे ऐड करने हैं, उनके ऊपर कंपेन रन करने हैं, तो वो भी इजीली आप उनके ऊपर कंपेन रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट कंट्री कोड, ये मैंने आपको ऑलरेडी नंबर जनरेट करते हुए नंबर फिल्टर में बताया, वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करके यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैनुअली कोई नंबर इंपोर्ट कर देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे उस पर मैसेज सेंड होता है। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे अब देखिए मैंने इस पर 92 इंसर्ट नहीं किया, मैं क्या करूँगी इंसर्ट कंट्री कोड पे जाके यहाँ पे 92 टाइप कर लेती हूँ। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जितने भी हमारे पास ऑल ओवर नंबर्स हैं उनके साथ कंट्री कोड इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पे 92 टाइप कर लिया, अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे कोई भी मैसेज टाइप करना है, जैसे मैं नंबर टाइप कर लेती हूँ। यहाँ पे कोई मैसेज आपको कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिटेल्स शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट ये मैसेज टाइप कर लिया। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे कोई फ़ाइल ऐड करनी है, तो फ़ोटोज़ में जाके आप यहाँ पे कोई भी फाइल ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ाइल मैंने अटैच किया, आप इसे देख भी सकते हैं कि ये कौन सी फ़ाइल है। यहाँ से ओपन करके आप डायरेक्ट उसके ऊपर भी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी ये फ़ाइल और कौन सी फ़ाइल अटैच हुई है। तो यहाँ पे ये हमारी फ़ाइल ऐड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस के साथ हमने सेंड नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टू वे हमें वो प्रोवाइड करता है, सेफ मोड और ब्लाइंड मोड। सेफ मोड में क्या प्रोसेस होता है कि जस्ट हमारे वही कॉन्टैक्ट्स को मैसेज सेंड करता है जो हमारे व्हाट्सअप में ऑलरेडी सेव है, बट हमने अनलिमिटेड नंबर्स पे मैसेज सेंड करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्लाइंड मोड के ऊपर क्लिक कर देंगे, ताकि जो कॉन्टैक्ट्स हमारे पास सेव नहीं है हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिकली उनके ऊपर भी ये कंपेन रन कर दे। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगी तो देखें ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपेन नहीं प्रोसेस होती, यहाँ पे मैसेज सेंड नहीं होता, तो क्या होता है यहाँ पे ये रेड में शो होता, बट इस पे ऑलरेडी सक्सेसफुली मैसेज सेंड हो चुका है। तो यहाँ पे हम वो मैसेज व्हाट्सएप पे जाके चेक भी कर लेते हैं। जैसे अब देखें टॉप पे हमारे पास जो भी नंबर होगा हमारा उसके ऊपर मैसेज सेंड हो जाएगा। तो जो भी प्रोसेस होता है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कोई भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कंपेन कम्प्लीटली रन हो चुकी है तो वो मैसेज हमें प्रोवाइड कर देते हैं। इसे हम क्लोज कर देते हैं। इस वे से हमारी मल्टीपल कंपेन जो है वो रन करके हम उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा व्हाट्सएप से किसी को भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप क्या करें, यहाँ पे हमारे पास फाइल का ऑप्शन अवेलेबल है, आप क्रिएट न्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोफाइल को कोई और नेम देना चाहते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसे प्रोफाइल 1 का नेम दे देती हूँ। प्रोफाइल 1 का नेम दे के इसे मैंने ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर चेक करती हूँ तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक न्यू प्रोफाइल ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर मैं कंपेन रन कर सकती हूँ। अब इसके ऊपर जो मैंने कंपेन रन करनी है वो मेरे पास अलग व्हाट्सअप अटैच होगी। अगर मैं यहाँ पे इसे ओपन व्हाट्सअप करती हूँ तो यहाँ पे एक अलग मेरे पास प्रोफाइल ओपन हुई है, तो जिसके ऊपर मैं कोई भी व्हाट्सअप अटैच करके उसके ऊपर वर्किंग कर सकती हूँ।
अब यहाँ पे देखिए लॉक्ड ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है और इसके ऊपर रेडी का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इसके ऊपर आप कोई और भी व्हाट्सअप अटैच करके उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन व्हाट्सअप करके सेम वही प्रोसेस के साथ आप क्या करें, इसके साथ QR कोड को स्कैन करें, स्कैन करने के साथ आपकी व्हाट्सअप अटैच हो जाएगी और वर्किंग हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि जिस नंबर से आपने इसके ऊपर कंपेन रन करनी है सेम वही नंबर यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, इससे क्या होगा व्हाट्सअप के ऊपर बर्डन पड़ेगा ना, वो यहाँ पे इस प्रोफाइल की कोई भी कमांड को एक्सेप्ट करेगा ना इस प्रोफाइल की। तो आप यहाँ पे ट्राई करें अलग अलग प्रोफाइल्स के साथ अलग अलग व्हाट्सअप को यूज़ कर लें। अब अलग अलग व्हाट्सअप के साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको इंगेजर यूज़ करना है, इंगेजर का क्या प्रोसेस होता है कि मैसेजेस सेंड और रिसीव होते हैं, उस प्रोसेस में कोई भी मुश्किल नहीं होती कि आपके नंबर पे जस्ट नंबर्स पे मैसेज सेंड हो रहा है रिसीव नहीं हो रहा। तो आप क्या करें, यहाँ पे हमारे पास टूल्स का ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर फिल्टर ये भी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट ग्रुप रैपर भी है, यहाँ पे अकाउंट इंगेजर का ऑप्शन है। आप क्या करें, यहाँ पे इंगेजमेंट व्हाट्सअप अकाउंट और मैसेजेस का ऑप्शन में व्हाट्सअप अकाउंट्स पे जाएं, यहाँ पे ऐड अकाउंट पे चले जाएं, अकाउंट का कोई भी नेम, हम जैसे मेरी बैक पे मेन प्रोफाइल थी, यहाँ पे मैं मेन नेम टाइप कर लेती हूँ, इसे ओके कर लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओके करूँगी तो यहाँ पे सेम QR कोड मुझे प्रोवाइड करेगा जिसे मैं यहाँ पे स्कैन कर दूँगी। इस वे में आप क्या कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा अकाउंट्स को अटैच कर सकते हैं, कि एक नंबर से मैसेज दूसरे पे और दूसरे नंबर से मैसेज पहले अकाउंट पे वो ट्रांसफ़र करके तो आपको यहाँ पे सेंड कर दे। मैं इसे भी ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखें मल्टीपल व्हाट्सअप के QR कोड्स ओपन हो जाएंगे जिसे आप अटैच कर लेंगे, जैसे मेन वाली व्हाट्सअप जो यहाँ पे मैंने अटैच की हुई थी वो यहाँ पे अटैच कर लूँगी, और जो व्हाट्सअप मैंने यहाँ पे अटैच की थी वो मैं नंबर 1 पे अटैच कर दूँगी। इस प्रोसेस में क्या होगा कि इंगेजर यहाँ पे यूज़ होगा, मैं यहाँ पे इंगेजर आपको ओपन करके यूज़ करके भी बता देती हूँ कि किस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे मैं अपनी व्हाट्सएप को ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे QR कोड को स्कैन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जब तक ये व्हाट्सएप अटैच हो जाती है मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सेकेंड व्हाट्सएप के QR कोड को स्कैन कर लूँगी, जिसे यहाँ पे ये व्हाट्सएप अटैच हो जाएगी, यहाँ पे वो सारी चैट शो होगी। अब मैं क्या करती हूँ सेकेंड व्हाट्सएप को ओपन कर लेती हूँ और उसके ऊपर भी डिवाइस को लिंक कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखें ये अलग है और ये अलग व्हाट्सएप हो गई, इन दोनों पे अब मैंने मैसेजेस की इंगेजमेंट कैसे करनी है, यहाँ पे अकाउंट्स हमारे अटैच हो जाते हैं दोनों अलग अलग, मैं क्या करूँगी यहाँ पे मैसेजेस पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन अवेलेबल है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँगी। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, मेरे पास टेक्स्ट फाइल में ऑल ओवर जितनी भी थी इस PC में मैं चली जाऊँगी कि जितनी भी मेरे पास फाइल्स अवेलेबल होंगी उनमें अगर कोई भी मैसेज मैंने यहाँ पे अटैच करना है तो वो इजीली अटैच कर सकती हूँ। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास जितने भी, जैसे ये हमारे पास जो फाइल है ये मैसेजेस की है, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखें ये ऑलरेडी टाइप हमारे पास फाइल है कि फर्स्ट और सेकंड मैसेज कैसे उसको सेंड करना है, अगर आपकी कंपेन ज़्यादा है तो आप मल्टीपल टाइम इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जितनी दफ़ा आप इंपोर्ट करेंगे उतनी दफ़ा ये यहाँ पे अटैच हो जाएगी और उतने ज़्यादा टाइम के लिए आपका यहाँ पे इंगेजर यूज़ होगा। अब यहाँ पे मैं इंगेजमेंट में चली जाती हूँ और यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। अब जैसे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें फर्स्ट मैसेज यहाँ से इसके ऊपर सेंड हुआ है, सेकंड मैसेज यहाँ से यहाँ पे सेंड हुआ है, मतलब कि ये इंगेजर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर मैं व्हाट्सअप को ओपन करके दिखा दूँ तो यहाँ पे हमारे पास वो नंबर्स के साथ वो हमें प्रोवाइड करके बता देता है कि किस तरह से ये मैसेजेस यहाँ पे एक दूसरे को सेंड हो रहे हैं। अगर बैक पे मैं चली जाऊँ व्हाट्सअप में तो अगर वो नंबर मेरा टॉप पे होगा तो वो मुझे शो करवा देगा कि किस तरह से ये यहाँ पे उसके ऊपर इंगेजमेंट चल रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कि किस तरह से वो एक मैसेज को मल्टीपल टाइम एक दूसरे को सेंड करके हमें दिखा देता है। जैसे ये हमारे पास नंबर था, ये देखें ऑटो रिप्लाई में, अब देखें जैसे ही वो नंबर के ऊपर मुझे रिप्लाई आया है तो मैं यहाँ पे अब आके चेक कर सकती हूँ रिसीव मैसेजेस में कि मुझे ये मैसेज यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो इस वे में क्या प्रोसेस होता है कि हम यहाँ पे इसको रिप्लाई भी कर सकते हैं, कोई भी रिप्लाई आपको सेंड करना हो जैसे ओके वगैरह वाला, तो आप इस यहाँ से भी डायरेक्टली उसे चैट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हमारा जो इंगेजर है वो हम यहाँ पे अटैच करके इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, इससे हमारे व्हाट्सअप को किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, ना ही उसके व्हाट्सअप के ब्लॉकेज का कोई इशू होता है, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे इंगेजर चल रहा होता है तो हम इसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम इसमें भी टाइमर सेलेक्ट कर लेते हैं, डिले लगा लेते हैं, जितना मर्ज़ी आप लगाना चाहें आप इसके ऊपर वर्किंग करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको इसके A to Z, R टू ऑल मैंने आपको फीचर्स प्रोवाइड कर दी हैं, बता दी हैं किस तरह से हम इसके एक से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं प्रोफाइल, जिसके ऊपर व्हाट्सएप अटैच कर सकते हैं। आप एक टाइम में यहाँ पे 10 प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे 10,000 इस प्रोफाइल पे नंबर्स अटैच हैं, तो बैक वाली प्रोफाइल पे भी आप 10,000 नंबर अटैच करके उसके ऊपर कंपेन रन करें, तो जिन नंबर्स पे 10,000 नंबर्स पे आपके बैकग्राउंड वाली जो बैक पे हमारी प्रोफाइल है उसने कंपेन रन करनी है, इसने भी सेम टाइम पे वही कंपेन रन करनी है। तो जितने टाइम में 10,000 को सेंड होगा, उतने टाइम में ही 10,000 को और होकर वो 20,000 नंबर्स पे आपकी कंपेन रन हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के साथ क्या होता है, हमारी कंपेन रन होती है और हमारा मैसेजेस सेम टाइम पे अनलिमिटेड लोगों को सेंड हो जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, जिसका नाम बूट मास्टर है, हम यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं और उसके ऊपर कंपेन हम रन कर सकते हैं। तो नंबर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं वो भी फीचर मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया है। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद जो वीडियोस हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड हों वो उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।